वेलकम फ्रेंड्स, मीन वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एंड मीन यानी कि अंग्रेजी में जिसको पाइसिस बोलते हैं। एंड प्लीज बिफोर प्रोसीडिंग, ये लग्न वाइज फोरकास्ट है, मीन राशि वालों के लिए नहीं है, पाइसिस राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए। जस्ट इन केस आपको नहीं पता है आपके लग्न क्या है, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माई टेलीफोन नंबर जो कि नीचे दिए गए हैं, और मैं आपके लग्न आपको बता दूंगा। उसके बाद आप फिर नित्य अपने लग्न वाइज एवरी वीक यू कैन फॉलो योर फोरकास्ट। तो कैसा सप्ताह रहेगा आपका 22 फरवरी 2021 से लेके 28 फरवरी 2021 तक? तो इट इज गोइंग टू बी ए मिक्स्ड वीक, ठीक है। प्रोफेशन के फ्रंट पे ठीक ठाक है, अभी बताता हूँ उसको और डिटेल में, लेकिन हेल्थ और चोट वगैरह लगने की संभावना बनी रही। हेल्थ खराब रहे, खराब होने की संभावना है, और चोट वगैरह लगने की आपकी संभावना बनी रहेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रोफेशन। प्रोफेशन आपका देखिए, प्रोफेशन का लॉर्ड जो है आपका जुपिटर है, गुरु, जो कि 11th हाउस में बैठे हैं, यानी कि गेन्स के हाउस में बैठे हुए हैं। तो प्रोफेशन से गेन्स आपको होने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड रहेगा। अगर होगा भी तो बड़ा स्लो रहेगा। क्यों रहेगा स्लो? बिकॉज गुरु आपके जो है बृहस्पति जुपिटर, वो नीच के हो जाते हैं आपके 11th हाउस में। तो इसीलिए थोड़ी सी उदासीनता होगा, फायदा होगा, लेकिन बहुत, मतलब जिसको कहते हैं छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, वो वाली बात नहीं आएगी। और दूसरा की बात क्या है, और जो दूसरे प्रोफेशन का जो आपका स्वामी है वो मंगल है, जो कि आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, विच इज गुड फॉर यू। थर्ड हाउस स्पेशली अगर आप आईटी रिलेटेड वगैरह काम करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड करते हैं, सेल से रिलेटेड करते हैं, तो अगर आपका अपना कोई प्राइवेट अगर जो है प्रोफेशनल काम में है, तो उसमें आपको फायदा रहेगा। तो प्रोफेशन वाइज इट्स गोइंग टू बी ए गुड वीक। और अभी मंगल ने अपनी राशि चेंज की है इसी हफ्ते में, ये आपके थर्ड हाउस में आए हैं। अब सेकेंड हाउस में थे तब भी ठीक था, बट अभी भी अच्छा रहेगा। तो प्रोफेशन need not worry, it's going to be a good week for you. Be very careful on your health front, as both आपके छठे और आठवें के जो स्वामी हैं, यानी कि सूर्य और शुक्र, और दोनों आपके इस आपके लग्न के लिए दोनों अशुभ ग्रह माने जाते हैं, और वो दोनों जो है ना वो आपके 12वें भाव में चले गए हैं। छठे और आठवें के स्वामी होकर के छठा यानी कि आपकी हेल्थ बीमारी, आठवां यानी कि अड़चने, एक्सीडेंट्स, चोट वोट लगना, ये दोनों स्वामी सन एंड वीनस, दे आर इन योर 12th हाउस, विच इज द हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ इवन हॉस्पिटलाइजेशन। तो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर यू, ओके। एंड नॉट ओनली दिस वीक, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर मे बी एटलीस्ट अ मंथ। तो बी वेरी केयरफुल, चूंकि मैं वीकली कर रहा हूँ, लेकिन आपको सतर्क कर देना आगे के लिए भी मेरे लिए जरूरी है। तो इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, कहीं बीमारी आपको, आपकी हेल्थ का कंसर्न हो सकता है, कोई चोट वगैरह लग सकती है, और हॉस्पिटल तक भी हो सकता है जाना पड़े, और उसके ऊपर हेल्थ के ऊपर आपका खर्चा होने की पूरी संभावना है। स्पाउस के तरफ से आपको कुछ जो है फायदा होने की, मुझे लग रहा है कि ससुराल के तरफ से या स्पाउस के तरफ से हो सकता है कुछ, या कोई तो गुड न्यूज मिले, या कुछ जो है फायदा, किसी तरह का भी फायदा हो सकता है, मटेरियल फायदा हो सकता है, या अदरवाइज किसी दूसरे फॉर्म में भी जो है ना फायदा हो सकता है। देखिए, स्पेक्यूलेशन का घर जो है आपका वो मिक्स्ड रहेगा, इसीलिए मैं कहूंगा रिस्क मत लीजिए, ठीक है। चिल्ड्रन की भी सेहत वगैरह ठीक ही ठाक रहेगी, बहुत बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, मिड वीक में कुछ कंसर्न हो सकता है चिल्ड्रन की हेल्थ को लेकर के, क्योंकि चिल्ड्रन के जो हेल्थ का आपका 5th हाउस का जो लॉर्ड है मून, दैट विल बी इन दी और 6th हाउस मिड वीक, सो देयर चिल्ड्रन कुड बी अ कंसर्न उनके सेहत को लेकर के, या चिल्ड्रन से रिलेटेड और भी किसी तरह की कोई बात हो तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा परेशानी की बात हो। और देखिए इसमें क्या है कि, और आपको बता दूं, मैं आपके 12वें भाव का जो स्वामी है, 12वें भाव का जो आपका स्वामी है वो शनि है, वो आपके 11th हाउस में है, 11th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तो 11th हाउस से जो हम ऑलरेडी एक चीज डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इनकम में,
कुछ गेन्स में कुछ रुकावट हो सकती है, ठीक है। बड़े भाई को कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है, बड़े भाई को कुछ नुकसान हो सकता है, और फ्रेंड्स के साथ कुछ जो है, फ्रेंड्स के ऊपर या तो आपका कुछ खर्चा होगा या फ्रेंड्स के साथ कुछ अनबन टाइप की हो सकती है, बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो दी लॉस का तो घर है, ये सेपरेशन का भी घर है। तो या तो बड़े भाई को कुछ प्रॉब्लम होगी या आपकी बड़े भाई के साथ कुछ, बड़े भाई या बहन के साथ अनबन हो सकती है, और दोस्तों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो सकता है या दोस्तों के चलते कुछ नुकसान हो सकता है। तो मिक्स्ड वीक है, जस्ट टेक केयर एंड बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली ऑन योर हेल्थ फ्रंट। दैट इज ऑल दैट आई हैव टू दैट इज ऑल दैट आई हैव टू फोरकास्ट और फोरटेल, एंड बट आई हैव टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। मैं देखिए ये आपको एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, तब मैं आपकी सेवा में और भी पूरे जो है ना जोशो खरोश के साथ मैं पेश आ सकता हूँ, क्योंकि अभी कुछ YouTube की तरफ से बाइंडिंग होती है, जब तक सब्सक्रिप्शन का एक लेवल क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक बहुत सी चीजें मैं चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। सो आपसे निवेदन है, हाँ, उपाय जो हमने पिछले हफ्ते, अगर आपने मेरा ये प्रेडिक्शन फॉलो किया होगा, तो उपाय जो हमने पिछले हफ्ते बताए थे वही उपाय स्टैंड करेंगे, हमेशा वही स्टैंड करेंगे। आपको मेनली सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, रोज नहीं चढ़ा सकते हैं, संडे को चढ़ाइए। महिलाओं की मदद कीजिए, गरीब लाचार वृद्ध महिलाओं की मदद कीजिए, और शनि भगवान का दान कीजिए हर शनिवार को। उसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करेंगे, और वृद्ध लोगों की, लाचार वृद्ध लोगों की आप मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय का पाठ आपको हमेशा हर किसी को करना है। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीक इट इज गुड बाय फ्रॉम मी।